हेलो गाइस, मैं आपको एक बार जन्नत दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए जन्नत, चारों तरफ जन्नत ही जन्नत है। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में, और आज हम आपको काफी खुश नजर आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पड़ी है बर्फ। और आज हमारे साथ हम आए हैं धाम देव, क्योंकि हमारे गांव में बर्फ पड़ी नहीं, तो आज सीजन की पहली बर्फ है। ये देखो तो हम सब, ये देखो बर्फ, हम सभी लोग धाम जाए हैं बर्फ का एंजॉय लेने के लिए, हमारे सभी साथी। ये मनीष भाई हमारे, इधर मोनू भाई, ये हमारे महपाल भाई, माही बोरा, उधर रोशन भाई। तो बाकी एक दो मित्र पीछे रह गए हमारे, हम धाम देव टॉप में जाके पूरा दिखाते हैं कितनी बर्फ इधर पड़ी है। अभी मेरे ख्याल से कल शाम से पड़ रही थी, तो अभी थोड़ा बारिश हो रही थी सुबह से, तो थोड़ा गल भी गई है, उतनी रह नहीं गई है, लेकिन थोड़ा बाद यहाँ पर तो रही है। हम ऊपर जब टापू में जाएंगे ऊपर हम जो के पूरे टॉप पे, तो वहाँ देखेंगे कितनी बर्फ पड़ी और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए फिर, ये देखिए घमासान युद्ध हो चुका है तीनों के बीच। बहुत बढ़िया, यही मजा है पहाड़ों में रहने का। ये देखिए फाइनली पहुंच चुके हैं टॉप में धाम देव, और आपको दिखाते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है हमारे। ये देखिए, ये बिल्कुल लद्दाख वाला फील दे रहा है हमको यहाँ पर, बहुत ही मजा आ गया। मतलब यार इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता आपको, अगर आप यहाँ होते तो इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते जो जो बर्फ नहीं देख पा रहे हैं। अपने दोस्तों से मिलाते हैं आपको, क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर पीछे देखिए। हेलो सब मजे में है भाई। ये देखिए, जो उम्मीद लेके हम आए थे धाम देना, उससे ज्यादा खुशी मिल रही है, क्या बताएं आपको। मिलिए थोड़ी देर में, फिर दिखाते हैं आप थोड़ा बहुत जो जो मोमेंट यहाँ पर हम कर पाएंगे वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो जो पहाड़ों में नहीं रहते और बाहर रहते हैं वो हमारे चेहरों से देख सकते हैं कितनी खुशी हो रही है, कितना मजा आ रहा है। मतलब यहाँ आके हमारे जो फोन की बैटरी भी 10% बची है, क्योंकि कल रात से यहाँ पर लाइट भी नहीं है हमारे गांव में, बर्फ की वजह से लाइट चली गई है, तो ऐसी थोड़ा बहुत 10% बचा के रखी है। हमारे रोशन भाई गिर चुके हैं, ग्रह युद्ध छिड़ चुके हैं लोंडो में हमारे। और इधर नीचे को देखिए आप, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरा पेड़ के ऊपर बर्फ अटकी है सब जगह। उधर देखिए चीड़ के पेड़ है कुछ, इधर देवदार के पेड़ है पीछे, और देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ भाई। यहाँ हमारे भाई लोगों का फोटो शूट चल गया। और मैं तुमको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मेरे को कम से कम 15-20 मिनट हो गए और हमारे सब साथी ये फोटो रोकने का नाम ही नहीं ले रहे, बस फोटो ही खींचने में सब। देखो 3 बंदे इधर हैं, 2 बंदे उधर हैं, और 2 बंदे पीछे दिख रहे होंगे आपको उधर। खैर फोटो खिंचाना भी जरूरी है, क्योंकि बर्फ हमेशा नहीं पड़ती है, बड़ी मुश्किल से सालों में 4 सालों में 5 सालों में 1 बार पड़ती है, और उसी का जो मेमोरी होती है वो फोटो की वजह से कैप्चर होती है हमारी। और ये बज गए हमारे गाने छोटे से स्पीकर में हमारे, और यहाँ पर सब साथी डांस कर रहे हैं। चाह पानी पियला बैठी बाला ठंडो मिठो पानी मेरे पियाला। ओ भवाली पे गाड़ी चली खैर न बजारा, अरे भवाली पे गाड़ी चली खैर न बजारा, अरे उती बटी लागे सुहाल मोड़े की धारा, अरे उती बटी लागे सुहाल मोड़े की धारा। ओए बैठो बना, बैठो बना।
तो हमको एक चीज और दिख गई यहाँ पर धामदेव की झील, ये देखिए बर्फ में यहाँ पर क्या कहते हैं थोड़ा बर्फ भी जमी है यहाँ पर, डाल बर्फ डाल थोड़ा, ये देखे वो जब बर्फ जा रही है थोड़ा सा टूट रही है, देखे ऊपर से बर्फ जमी है, देखो वहाँ पर पानी आया, इधर को थोड़ा बर्फ जमी है पूरी, ये देखे इधर बर्फ, और ये हमारा यहाँ पर गांव का कॉलेज है। तो दगड़ियो यहाँ लाइव स्नोफॉल हो गया है, यो बढ़ गया है बिल्कुल, शायद आपको वीडियो में दिख रहा होगा, तो दिख रहा है, देखे एक बार ऊपर को, मजा आ गया कुल मिला के आज मजा आ गया, रौनक दादी भाई तुम्हें मजा कुछ नहीं मना और जिले बने मजा को मतलब ये देखो तुम लाइव करना लाइव, और ये हमारे दोस्तों ने पलटा दिया है, दोस्तों की फट गई है यार, अब आ गए हैं पहलवान। घुरी जाओ घुरी जाओ तुम लोग घुरी जाओ, वो बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड, और यहाँ पर दौड़ स्टार्ट हो गया हमारे भाई लोगों की, चलो देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, मनीष ने जीत हासिल कर दी है, मनीष को 5 रुपया प्राइज मिलेगा, रुको रुको 5 रुपये इतने ही मिलेगा, ये लो ये लो, अगर हम मनीष को 5 रुपए का प्राइज, इसी बात में ओलंपिक में दौड़े होते तो इंडिया हमें गोल्ड दे देती, तुम यहाँ 5 रुपए दे रहे हो, सॉरी मनीष नहीं ले पा रहे हैं आपने 5 रुपए तो इसलिए हम ही रख लेते हैं इसको। तो भाई हम इतनी वीडियो बना पाए कल क्योंकि हमारा फोन जो कि स्विच ऑफ हो गया था आधे में ही, जो हम बता रहे थे आपको 10% बैटरी बची है, तो लास्ट में हमारा फोन स्विच ऑफ हो पड़ा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हम मिलते हैं आपको ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।